हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हो, स्वास्थ्य हमारे जीवन की अनमोल निधि है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद, अच्छा भोजन, खेलकूद और व्यायाम सब जरूरी है। तो आज मैं आपको व्यायाम से अवगत कराऊंगी। व्यायाम में भी हम प्राणायाम और ध्यान पर केंद्रित करेंगे। प्राणायाम और ध्यान को सिखाने के लिए हमारे साथ इस सत्र में श्री विजय कुमार जी उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि प्राणायाम क्या है और बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है? देखिए, जैसे प्राणायाम की हम बात करते हैं तो उसमें दो शब्द हैं, एक तो प्राण और दूसरा आयाम। अब प्राण और आयाम की अलग अलग बात करें तो सबसे पहले ये आता है कि प्राण क्या है। तो प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, वो शक्ति जिससे हम जीवित हैं और प्रकृति में सारे जीव जंतु इसी शक्ति से जीवित हैं। अब यदि हम मनुष्य शरीर की बात करें, हम अपने शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में जो प्राण है, जो जीवनी शक्ति है, उसे स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम है। तो प्राण तत्व तो हमने समझ लिया। प्राण को यदि हम अपने शरीर में देखें तो कभी सांसों के रूप में देख सकते हैं। कहा जाता है कि प्राण हमारे शरीर में हृदय में निवास करता है। अब यदि आयाम की बात करें तो आयाम का सीधा अर्थ होता है विस्तार करना। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ कुल मिला के ये हुआ कि अपने प्राणों का विस्तार करना या अपने प्राणों की क्षमता को बढ़ाना ही प्राणायाम है। अब प्राणायाम कैसे किया जाए? प्राणायाम करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, तो हमारे शरीर में जो सांस है उसे ही हम प्राण कहते हैं, क्योंकि सांस के रूप में ही प्राण पूरे शरीर में, पूरी नस नाड़ियों में प्रवाहित होते रहता है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। जब हम 72,000 नाड़ियों की बात करते हैं और प्राणों की बात करते हैं, तो प्राण हमारे पूरे शरीर में वायु के रूप में प्रवाहित होता है और ये वायु हमारे सांस के माध्यम या सांस लेने की क्रिया के माध्यम से ही चलती है। सांस लेने की क्रिया को ही हम यदि संक्षिप्त में यदि हम कहें, सांस लेने की क्रिया ही एक प्रकार से प्राणायाम है। लेकिन सांस लेने का सही तरीका कौन सा है, हम किस प्रकार सांस लें, किस प्रकार अपने प्राणों का विस्तार करें, कुल मिला के यही प्राणायाम है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो तीन स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले तो पूरक यानी सांस लेना गहराई से, दूसरा कुंभक यानी सांसों को रोक के रखना, और तीसरा होता है रेचक, जिसका अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। सांस छोड़ने की भी अपनी एक गति होती है, बहुत धीमे धीमे हमें सांस छोड़ना चाहिए। अब पूरक और कुंभक में अनुपात कितना होना चाहिए? 10 सेकंड में यदि सांस ले रहे हैं तो कम से कम 15 सेकंड में धीरे धीरे आपको इसे वापस छोड़ना है। शुरुआत में प्राणायाम करते समय आपको कुंभक कभी नहीं करना चाहिए। प्राणायाम की प्रक्रिया को जानने के बाद में हम अब चिंतन करेंगे प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्राणायाम हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किए जाने चाहिए। वैसे तो प्राणायाम के 10 प्रकार होते हैं और ये 10 ही प्रकार अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें या प्राणायाम के अभ्यास के प्रारंभिक स्तर की बात करें, तो प्राणायाम जो सबसे पहला बच्चों को करना चाहिए वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम भी कहते हैं और यह प्राणायाम एक प्रकार से अमृत की तरह है। अब अमृत की तरह क्यों है? क्योंकि जैसा कि नाम से ही विदित है, नाड़ी शोधन, हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ हैं और प्राण इन्हीं नाड़ियों से होकर प्रवाहित होता है। तो इन नाड़ियों में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं और अशुद्धियाँ होने की वजह से प्राणों में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है। तो अब नाड़ियों का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए यह प्राणायाम ज़रूरी है। इसीलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं और इसीलिए इसे अमृत के तुल्य भी माना गया है। अब इस प्राणायाम को करते कैसे हैं? जैसा कि अनुलोम विलोम भी कहते हैं, इसे अनुलोम विलोम का सीधा अर्थ होता है सीधा और उल्टा। तो हम इस प्राणायाम को करने की शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो नॉस्टल हैं, दो नासिका द्वार है, जिसमें से हम सबसे पहले राइट वाले नासिका द्वार को हम एक अंगूठे से बंद कर देते हैं, इस प्रकार बंद करते हैं, और दूसरे नासिका द्वार से हम गहरी सांस लेते हैं। इस नासिका द्वार से जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वो सांस सबसे पहले हमारे फेफड़ों तक के जाती है और फेफड़ों तक के जाने के बाद में हम उसे सीधे नाभि क्षेत्र की ओर धकेल देते हैं। वहाँ कुछ क्षण रुकने के बाद में सांस को हम धीरे धीरे राइट नॉस्टल से बाहर निकाल देते हैं।
ये आधा चक्र हुआ है। अब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चरण पूरा होता है। और बच्चों को यदि ये व्यायाम करना है तो कम से कम 5 से 10 राउंड प्रतिदिन करने चाहिए। अब इस प्राणायाम को करने के फायदे क्या है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये प्राणायाम करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि जैसे ये नाड़ियों का शोधन करता है वैसे हमारे बहुत सारी शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही हमें जो एक तनाव होता है मस्तिष्क में वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। यदि डिप्रेशन है अवसाद तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। मन में एक प्रकार से शांति आने लगती है और स्वास्थ्य में बहुत उत्तरोत्तर प्रगति होती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह हमारे श्वसन तंत्र पे पड़ता है। श्वसन तंत्र हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी शारीरिक क्षमताएं वैसी बढ़ने लगती हैं। अगला प्राणायाम है कपालभाति। ये वास्तव में एक शुद्धि क्रिया है और छात्रों के लिए आवश्यक है कि यह इस क्रिया को करें। कपालभाति की क्रिया कैसे की जाती है हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल एक पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। शरीर बिल्कुल आपका तना हुआ हो, दोनों हाथ बिल्कुल घुटनों पर इस प्रकार से लॉक कर लीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी हो आपकी। आप अपनी छातियों को हल्का सा बिल्कुल ऊपर खींच के रखें और तेजी से आपको सांस बाहर की ओर छोड़नी है, पेट को अंदर करते हुए। पेट को अंदर करना है और सांस बाहर छोड़ना है इस प्रकार से। रिलैक्स। इस प्रकार बच्चों को कम से कम इस अभ्यास को 30 स्ट्रोक्स 30 बार इस प्रकार की प्रक्रिया को करना चाहिए। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके श्वसन तंत्र को बहुत एक्टिव करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, सांस संबंधी बीमारियों को दूर करता है, उसके साथ में आपके मस्तिष्क में रक्त के संचार को बढ़ाता है और बहुत रिलैक्स आपके शरीर को करता है। इस श्रृंखला में अगला जो प्राणायाम जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोग है वो है भ्रामरी प्राणायाम, भवरे की तरह गुंजरण करना। इसे करने का बहुत सिंपल तरीका है। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन में आप बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें इस प्रकार से। इस प्राणायाम को वस्तुतः दो प्रकार से किया जाता है, एक तो जैसा कई योग के ग्रंथों में दिया है और दूसरा जो तरीका है एक ओपन भ्रामरी है। इसमें गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद हो और धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजरण लेते हुए आपको हमिंग करनी है। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे। एक तो यह विधि है जिसे कि हम कह सकते हैं ओपन भ्रामरी, ये एक सहज रूप से भ्रामरी करने का अभ्यास है। लेकिन दूसरा जो योग के ग्रंथों में दिया है वो भ्रामरी करने का तरीका थोड़ा अलग है। इस विधि में या इस तरीके में हम सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों को अपने कानों में लगा लेते हैं इस प्रकार से और इन चारों उंगलियों को अपनी आँखों पर लगा लेते हैं इस प्रकार से, हम ढाँक लेते हैं। ढाँकने के बाद में आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधा, गहरी सांस लेंगे और भ्रमर की तरह गुंजरण करते हुए सांस बाहर निकालेंगे। रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। इस प्रकार जो दोनों तरीके बताएं उनकी कम से कम 10-10 आवृत्ति या 5-5 आवृत्ति छात्रों को करना चाहिए। इस प्राणायाम का जो सबसे प्रमुख फायदा है कि यह मस्तिष्क को शांत करता है। आपके मस्तिष्क में यदि तनाव है, प्रेशर है, टेंशन है तो यह सबसे पहले तो मस्तिष्क को शांत करने का काम करता है। शांत करने के साथ साथ यह विचार जो अनावश्यक रूप से आपके दिमाग में आ रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो चिंताएं आ रही है उसे धीरे धीरे करके बाहर कर देता है। इसके साथ साथ यह अभ्यास, यह प्राणायाम का अभ्यास डिप्रेशन या तनाव को दूर करने में भी सहायक है।
अगला जो प्राणायाम जो कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही विदित है सूर्य भेदी, तो हमारे नासिका के जो दो द्वार हैं राइट और लेफ्ट, दाया जो द्वार है यह सूर्य का प्रतीक है और बायां जो है वो चंद्र का प्रतीक है। तो जैसा कि नाम से ही है कि सूर्य भेदी प्राणायाम, इसका अर्थ ये है कि आपको दाहिने नाक से सांस लेना है और बाएं नासिका से धीरे धीरे छोड़ना है। बाएं नाक को बंद करना है, दाहिने से सांस लेना है। आप किसी भी प्रकार से बंद कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक पोज ही चाहिए। आप सहज रूप से ऐसे भी बंद कर सकते हैं, ऐसे भी बंद कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक पोस्चर लेके भी बंद कर सकते हैं। आपको सांस लेना है राइट नॉस्टल से, दाहिनी नाक से पूरी गहरी सांस लेना है, उसके बाद में उसे बंद करके दाहिनी से छोड़ देना है और इसी प्रक्रिया को कम से कम 5 बार दोहराना है। इसमें अनुलोम विलोम की तरह आपको फिर दोबारा बाएं से लेके दाएं से छोड़ना और दाएं से लेके बाएं छोड़ना, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। यही एक फर्क है अनुलोम विलोम में और सूर्य भेदी प्राणायाम में। अब सूर्य यानी ऊर्जा का प्रतीक, तो जो बच्चे बिल्कुल निस्तेज या कमज़ोर कहना चाहिए, जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, ये व्यायाम उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये उनके मस्तिष्क को तेज करता है, उनकी ऊर्जा को जगाता है। इसके साथ साथ पेट से संबंधित यदि आपके कोई विकार हैं उन्हें भी ये प्राणायाम धीरे धीरे करके दूर कर देता है। आज के समय में योग में एक शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है और वो शब्द है ध्यान। सभी किसी न किसी रूप में इस शब्द को जानते हैं और इस शब्द के बारे में कहीं ना कहीं सुना है। ध्यान को अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। आप अधिकांश सुनेंगे कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान वास्तव में क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है हमारे छात्र जीवन में? एकाग्र होना। तो इसी एकाग्रता को अंग्रेजी में मेडिटेशन और हिंदी में ध्यान कहने लगे, लेकिन ध्यान वास्तव में ये है नहीं। ध्यान का अर्थ तो होता है विश्राम, यानी आराम देना। किसे आराम देना है? अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को, ये ध्यान है। ध्यान में तो कोई विचार चलता ही नहीं है और आज के समय में तो ध्यान का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल जैसा हमारा जीवन है, हमारा स्कूल लाइफ है, हमारा कोर्स है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान में एक शब्द आया है कि ध्यान विचारों की स्थिरता है, विचारों का को स्थिर करने की प्रक्रिया है। तो थोड़ा सा हम विचारों के बारे में भी चिंतन करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन है, एक चर्चा है कि विचार क्या है, क्यों आते हैं। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है जो चारों तरफ देखती है और जैसा जैसा वो देखते जाती है वैसे वैसे विचार हमारे मस्तिष्क में बनते जाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिया, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी जीवा, हमारी नासिका, ये सारी चीज़ें जितनी भी ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती है वो कहीं ना कहीं विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में जमा होने लगती है। चाहे हम जागे रहें या सोए रहें, विचार सतत चलते रहते हैं। और किसी शोध में कहा गया है कि प्रति क्षण 3 लाख विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि यदि हम अभी चिंतन करें कि हमारे दिमाग में कितने विचार चल रहे हैं, तो मुश्किल से 1 या 2, 3, 4, 5 विचारों को हम पकड़ सकते हैं। बाकी विचार अनावश्यक रूप से हमारे मस्तिष्क के ऊपर बार बार आघात करते रहते हैं, जो आवश्यक भी हो सकते हैं, अनावश्यक भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये आती है, कई बार अनावश्यक विचार, चिंताएं हमारे मस्तिष्क पे अनावश्यक रूप से आघात करती है। जैसे परीक्षा की तैयारी का प्रेशर हो गया या कोई तनाव हो गया, कोई और चिंता हो गई, तो ये जो विचार बार बार मस्तिष्क पे अटैक करें वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इन्हीं सभी सब विचारों से बचना है और अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को वापस बरकरार रखना है तो ध्यान करना नितांत आवश्यक है। और ध्यान करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। अब सबसे पहले तो ये समझे कि ध्यान की प्रक्रिया में होता क्या है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ध्यान का अर्थ है विचारों को स्थिरता देना, लेकिन प्रतिक्षण हमारे दिमाग में विचार आते रहते हैं। स्थिरता भले न दे पाए लेकिन हम अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों को तो कम कर सकते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है कि कैसे करेंगे, वो हम आगे प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो ध्यान वस्तुतः अष्टांग योग के 8 अंगों में से एक है।
ध्यान से हमारा मन स्पष्ट और केंद्रित होता है। अब ध्यान से हमें बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान और स्वास्थ्य का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की होती हैं, यानी मन जनित रोगों की होती हैं। मन जनित रोग क्या हुए? मन जनित रोग यानी जैसे दुख है, तनाव है, तो दुखी होने से क्या होता है, हृदय के उस पक्ष पर उस प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है कि हमारे रक्त में हल्का सा जहर घुलने लगता है। चिंता से व्यक्ति दुबला होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हो तो उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उसकी आँखों की चेतना खत्म हो जाती है। तो बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ध्यान करने वाला व्यक्ति तनाव और चिंताओं से दूर रहता है तो वह बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। उसके बाद ध्यान का जो अगला लाभ है जो विद्यार्थियों को होता है, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान से अधिकतम ऊर्जा व्यक्ति के चित्त मन या दिमाग को मिलती है, जिससे कि वह बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है और अपनी ऊर्जा का और बेहतर उपयोग कर सकता है। ध्यान करने वाले विद्यार्थियों में अधिक गतिशीलता होती है, यानी कि वो अपने भविष्य के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, तेजी से सोच सकते हैं, उनकी सोच समझ और लोगों से और ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ध्यान करने की वजह से वो अनावश्यक रूप से जो विचार आने हैं वो उनके मस्तिष्क में नहीं आते, वो अनावश्यक विचारों से बचे रहते हैं। और ध्यान का जो सबसे बड़ा लाभ विद्यार्थियों को होता है वो होता है आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि ध्यान का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है जो कि छात्रों को मिलता है। छात्र आत्मविश्वास से परिपूरित होते हैं, उनकी एकाग्रता में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। एकाग्रता में वृद्धि के पीछे कारण ये है कि ध्यान करने से वो एक जगह अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। एक जगह जब चित्त को स्थिर करने की आदत बनती है तो वो अपने विषयों पर, जो उनके अध्ययन के विषय हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान फोकस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम भी ला सकते हैं। छात्र क्या फ़ायदा उठा सकते हैं ये तो हमने चर्चा कर लिया है। अब मानसिक रूप से ध्यान के क्या लाभ मिलते हैं हमें, इस विषय में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मस्तिष्क में तीन प्रकार की तरंगे प्रवाहित होती है, अल्फा, बीटा और थीटा या गामा। ध्यान मस्तिष्क में अल्फा तरंगों के स्तर को उच्च करता है। मस्तिष्क में अल्फा तरंगों के स्तर का उच्च होना यानी मस्तिष्क में या मस्तिष्क के स्वास्थ्य में उन्नति को दर्शाता है। ध्यान करने से मस्तिष्क पहले की अपेक्षा सुंदर, सौम्य और कोमल हो जाता है। कोमल होने का अर्थ ये है कि आपके, यदि मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, कि क्रूरता रही है, जड़ता रही है, तो वो समाप्त होकर धीरे धीरे एक फ्लेक्सिबल मोड की तरफ बढ़ने लगती है। ध्यान आपके मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें कि हमारे वैचारिक डेटा पूरा एकत्रित होता है, तो ध्यान के माध्यम से उसका पोषण होता है। जब आप व्यग्र होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब ध्यान आपको धीरे धीरे शांत करता है और पूरे मस्तिष्क और शरीर को रिलैक्स करता है। जब हम वैचारिक रूप से अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं या किसी विषय के बारे में हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर हम परिणाम की ओर है, तो हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं होता, तो वो एक स्थिति को हम कह सकते हैं व्यग्रता की स्थिति। तो जिस प्रकार से आजकल पढ़ाई का दबाव है तो व्यग्रता एक कॉमन सी बात हो गई, और ये व्यग्रता स्कूल से निकल के सीधे घरों तक जा रही है कि बच्चा घर में भी उसी प्रकार से रहने लगता है। तो ध्यान करने के माध्यम से बच्चा धीरे धीरे अपनी व्यग्रता को नियंत्रित करके बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल शांत मन से अपने व्यवहार को करने लगता है। ध्यान का दूसरा मानसिक लाभ होता है, आज यदि हम आज की जनरेशन और आज के बच्चों को देखें, यदि हम उनके भावनात्मक स्तर की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे आपको बहुत रिजिड, एग्रेसिव, क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है, पेरेंट्स के पास समय होता नहीं है, बच्चा मोबाइल में, और बच्चे की सोशल कनेक्टिविटी भी केवल स्कूल, घर, कोचिंग, यहाँ तक रह गई है। तो बच्चे धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगे हैं। एग्रेशन के पीछे आज की लाइफस्टाइल एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो
तो एग्रेशन से बाहर निकलने में ध्यान बहुत मदद करता है। बात करेंगे कि ध्यान किस प्रकार लगाया जाता है और ध्यान कैसे लगाना चाहिए। तो ध्यान लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग अलग अलग प्रकार से ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो है सांसों पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया। इसमें आप बिल्कुल अपना एक पोस्चर करेक्ट करें, रीढ़ गर्दन कमर तीनों एक सीध में, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए, ये ज्ञान मुद्रा है, और इन हथेलियों का जो पृष्ठ भाग है वो आपके घुटनों पर होना चाहिए। गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ गर्दन कमर तीनों एक सीध में होनी चाहिए, आंखें बंद। प्राणायाम में जो हमने डीप ब्रीदिंग की प्रक्रिया सीखी थी, सबसे पहले उस प्रक्रिया के माध्यम से हम 3 बार अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। गहरी सांस, सांसों के साथ धीरे धीरे शरीर के अंदर जाना है और सांसों के साथ रुकना है और धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर निकलना है। कहने का सीधा अर्थ है कि मस्तिष्क में जो भी विचार चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस न करके केवल अपने सांसों की गतिविधियों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले गहरी सांस लेंगे, इस प्रक्रिया में जैसे जैसे आप सांस लेते हैं तो नॉस्टल से जैसे ही आपकी सांस इन होती है तो वहां पे हल्की सी ठंडक आपको महसूस होती है। उस ठंडक को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांसों के साथ धीरे से श्वास नली से होते हुए अपने फेफड़े और फेफड़े से नाभि तक के जाना है। कुछ क्षण वहाँ रुकना है और धीरे धीरे सांसों के साथ आपको बाहर निकलना है। दोनों नॉस्ट्रल से, नासिका द्वारों से जब सांस बाहर निकलेगी तो आपको हल्की सी गर्माहट वहाँ महसूस होगी। अब अपना पूरा ध्यान अपने राइट लेग पर लगाएंगे। राइट लेग पे लगा के राइट लेग के अंगूठे और उसकी उंगलियों को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान राइट लेग की एड़ी, एड़ी से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए घुटने की ओर लाएंगे। एड़ी से घुटने तक के पूरे पैर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अपना ध्यान घुटने से लेके अपनी थाइज और थाई जॉइंट तक के ले जाएंगे। इस प्रकार अपने राइट लेग को धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स करना है। यही प्रक्रिया बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने लेफ्ट लेग के साथ में भी करनी है। इस प्रकार आपको अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे कंप्लीटली रिलैक्स कर देना है। अब अपना ध्यान आपको अपने राइट हैंड के अंगूठे पर लगाना है। राइट हैंड के अंगूठे को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। राइट हैंड के अंगूठे के साथ में धीरे धीरे चारों उंगलियों को रिलैक्स करना है। चारों उंगलियों को रिलैक्स करने के बाद में पंजे को रिलैक्स करने की भावना देनी है कि पंजा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, और धीरे धीरे अपना ध्यान कलाई, कलाई से कोहनी तक की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल करना है। कोहनी से शोल्डर तक के सभी मांसपेशियों को धीरे धीरे शिथिल करना है। अब अपना ध्यान लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर लगाना है। लेफ्ट हैंड के अंगूठे, उंगलियों और पंजे, इन सभी मांसपेशियों को धीरे धीरे आपको कंप्लीट रिलैक्स करना है। इसके बाद में अपना ध्यान अपनी रिस्ट यानी कलाई पर लगाएं। कलाई से धीरे धीरे कोहनी तक की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स करें। कोहनी से अपना ध्यान शोल्डर और शोल्डर तक की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब आपके चारों हाथ पैर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में है। अब अपना ध्यान अपने पेट पर लगाएं। पेट और पीठ दोनों मांसपेशियों को धीरे धीरे शिथिल करते हुए जाएं। उसके बाद में धीरे से चेस्ट की ओर ध्यान ले जाना है और बैक की ओर, चेस्ट और बैक दोनों को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। गर्दन तक की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स और शिथिल कर देना है। इसके बाद अपना ध्यान गर्दन की मांसपेशियों की ओर बढ़ाएं।
धीरे धीरे करके गर्दन की सारी मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। इसके साथ में अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लगाएं, चेहरे में आंखों पर, आंखों की पुतलियों को रिलैक्स करें, अपने नोज़ को, लिप्स को और फेस की सभी मांसपेशियों को धीरे धीरे रिलैक्स करें, कानों को रिलैक्स करें। इस प्रकार अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे आप रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान पूरी तरीके से अपनी सांसों पर लगा दीजिए। सांसों के आने और जाने को देखते रहिए। इसी अवस्था में आप बैठे रहें, आप देखेंगे कि आपके मन में विचारों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। इसी अवस्था में बैठे रहें, उसके बाद आंखें खोल लीजिए। ध्यान की श्रृंखला में जो ध्यान की अगली प्रक्रिया है वो नासिकाग्र ध्यान है, यानी नाक के अगले बिंदु पर ध्यान लगाना। नासिकाग्र ध्यान में आपकी जो बैठने की स्थिति रहेगी वो इसी प्रकार रहेगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और आंखें अधखुली रखना है। बिल्कुल अधखुली रखते हुए अपनी दोनों आंखों से नोज की टिप पर देखना है और मुश्किल से मुश्किल आपको 30 सेकंड देखना है और उसके बाद आंखें बंद करके बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना है। कभी होता है कि हम राइट विजन पे फोकस करते हैं तो हमें नॉस्ट्रल का एक टिप का एक साइड दिखता है, कभी दूसरा दिखता है, इस प्रकार वेरिएशन आते रहते हैं, लेकिन हमें दोनों आंखों से बिल्कुल नोज के टिप को देखना है। जब हम देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के ऊपर हल्का सा प्रेशर या दबाव बनने लगेगा। कुछ क्षण बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें, रिलैक्स करेंगे। ध्यान की प्रक्रिया के अगले चरण का ध्यान है अंगूठे की टिप पर ध्यान। यह एक प्रकार से त्राटक का ही अभ्यास है। त्राटक यानी किसी एक बिंदु पर अपने आंखों को स्थिर करना। मैंने विचारों की बात नहीं की, मैंने कहा आंखों की या दृष्टि को स्थिर करना। जब दृष्टि एक जगह स्थिर हो जाती है तो विचार भी धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। इसे त्राटक भी कहते हैं योग की भाषा में, और यह भी एक प्रकार से शुद्धि क्रिया है। तो अपने राइट हैंड को आगे लाएं और एक अंगूठे को खोल के बिल्कुल मुट्ठी आगे ले आएं। बिल्कुल अपनी दोनों दृष्टि अंगूठे पर टिका दीजिए, राइट ले जाएं धीरे धीरे, लेकिन दृष्टि अंगूठे पर टिका के रखें, फिर धीरे धीरे लेफ्ट ले जाएं। फिर वापस रिलैक्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्राणायाम की क्या विधियां है और क्या लाभ है, और हमारे जीवन में प्राणायाम किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार हमने ध्यान के बारे में भी जाना कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान से क्या लाभ होते हैं और ध्यान से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। प्राणायाम और ध्यान सहज रूप से करने वाली क्रियाएं हैं और धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करते हैं तो इसका परिणाम द्विगुणित रूप में आपको मिलता है, यानी रोज डबल। तो योग अभ्यास में सारे अभ्यास तो वैसे नियमित और दीर्घ काल तक करने वाले हैं, और जैसे जैसे हम इनके अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसके लाभ का परिणाम भी तेजी से बढ़ता जाता है। तो आप नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपने आज इस योग सत्र में सर से जाना कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के उपयोग क्या है, किस तरह से प्राणायाम किया जाता है, साथ ही आपने जाना कि ध्यान क्या है, ध्यान के शारीरिक और मानसिक लाभ क्या हैं, और ध्यान किन विधियों से किया जाता है, और इसका व्यायाम का दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब आप हर रोज प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को एक स्थान देंगे और हर रोज प्राणायाम और ध्यान जरूर करेंगे।